प्रणाम। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज हमारी योगासन की सीरीज में जो नया आसन है उसका नाम है धनुरासन। धनुरासन में बाउ पोज, मतलब शरीर की स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे खिंचा हुआ धनुष। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि ये क्या क्या बेनिफिट करता है, इसकी विधि क्या है और इसमें किस किस चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए जब हम इस आसन को करते हैं। तो शुरू करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं विधि को कि विधि कैसे किया जाता है इस आसन को। तो इस आसन को करने के लिए हमें सबसे पहले जमीन पर अपने पेट के बल लेट जाना होगा। तो जमीन पर हम पेट के बल लेट जाएंगे और मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि जब भी हम आसन करते हैं तो आसन करने से पहले हमारा वार्म अप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमें इंजरियों से बचाता है और जो कि हमारी बॉडी को एक्टिविटीज़ करने के लिए स्ट्रेंथ देता है। तो वार्म अप बहुत ज़रूरी है। तो ज़मीन पर लेट जाएंगे, अपने हाथों को पीछे रखेंगे, अपने पैर पंजे मिले हुए, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स। अब इनहेल करते हुए अपने पैरों को उठाएंगे और घुटने से मोड़ना है एंड देन स्टॉप। हिप के पास जितना नज़दीक लेकर के आ सकते हैं उतना नज़दीक लेकर के आ जाएंगे। अब इसमें एक चीज़ होती है कि अगर हम अपने दोनों घुटनों को मिला करके रखें, अपने नी को मिला करके रखें, तो क्या होगा कि हमारी बॉडी हल्की सी टिल्ट हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी हिप से। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, हल्का सा गैप कर देंगे घुटनों के बीच गैप करेंगे तो हमारा पैल्विक, हमारा जो एब्डोमिन है वो ज़मीन पर लग जाएगा। तो इसीलिए क्या करें, हल्का सा गैप कर दें अपने घुटनों के बीच। दूसरा, अब क्या करें, अपने दोनों टखने पकड़ने हैं मजबूती के साथ बाहर की साइड से, अंदर से नहीं पकड़ेंगे क्योंकि पकड़ा नहीं जाएगा। क्या करें, बाहर से ऐसे पकड़ेंगे। उसके बाद इनहेल करते हुए अपने शरीर को ऊपर उठाने, कैसे ऊपर उठाने, पैरों को भी उठाने उसी साथ में और एक ही साथ में अपने धड़ को उठाना है। तो इनहेल, अब इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है, वो ध्यान रखने वाली क्या है कि जब हम इस अभ्यास को करते हुए क्या होता है कि हम अपने पैरों में बहुत ज्यादा खिंचाव देते हैं। जैसे ही हमारा पैर पीछे खिंचेगा तो हमारा क्या होगा कि जो पैल्विक रीजन जमीन पर लग जाएगा और हमारी चेस्ट और हमारा एब्डोमिन जमीन से ऊपर उठ जाएगा, जो कि पूर्णतः गलत है, बिल्कुल गलत रूप से है। क्योंकि पैल्विक नीचे आएगा तो इफेक्ट कहाँ आएगा, हमारी डायरेक्ट लोअर बैक पर पड़ेगा, लोअर बैक बैंड हो जाएगी, जो कि हमें बचना है उससे। तो कैसे करना है, हमें अपने वेट को पैल्विक के ऊपर नहीं रखना है और ना ही अपने रिब केज के ऊपर रखना है, हमें अपने वेट को रखना है अपने एब्डोमिन पर, क्योंकि सेंटर पॉइंट हमारा एब्डोमिन है। जो हमारा नेवल है उसके इधर उधर का जो पोर्शन है, उस क्षेत्रफल जितना भी है, वो हमारा सेंटर पॉइंट में आता है। तो हमें रखना है अपना सेंटर पॉइंट को। कैसे, अभी नेवल हमारा जो पैल्विक है, पैल्विक को जमीन पे नहीं लगाना है। ये देखिए, पैल्विक उधर से उठा हुआ है, इधर से रिब केज उठा हुआ है। तो जितना भी हमारा एब्डोमिन का एरिया है, कि कौन सा एरिया जो हमारे नेवल के आसपास है, वो एरिया हमारा जमीन पे लगा हुआ है। ऐसा करने से क्या होगा कि जो हमारी मांसपेशियां हैं उनकी मसाज हो जाएगी बहुत अच्छी। एक्सहेल करते हुए रिलैक्स, एक बार फिर से इसका अभ्यास शुरू से पूरा अभ्यास दोहराते हैं। पैरों को फोल्ड किया, अपने दोनों हाथों से दोनों टखनों को पकड़ा, राइट हैंड से राइट टखना, लेफ्ट से लेफ्ट, इनहेल एंड अप। एंड देन रिलैक्स। दो तीन लंबे गहरे श्वास एंड रिलैक्स। अब तो ये थी हमारी विधि और इसमें जो बारीक बारीक चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जो छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखना होता है, वो मैंने बताया आपको भी। एक तो क्या करना है, अपने दोनों जो हमारे नी है
ऊपर उठाते हुए नी को नहीं मिलाना, उससे क्या होगा, अगर हम घुटने मिलाने की कोशिश करेंगे अपने, तो हमारी जो एक तो ऊंचाई है, ऊंचाई कम हो जाएगी, दूसरा क्या होगा कि हमारी बैक पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जो लोअर बैक है, बिल्कुल लोअर बैक मीन्स कहाँ, जहाँ हमारी टेलबोन है, डायरेक्ट इफेक्ट आ जाएगा टेलबोन पर, जो कि बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए क्या करना है, अपने थोड़े से घुटनों को खोल देना है और उसके बाद बॉडी को खींचना है। दूसरा, अपने पेल्विक रीजन को जमीन पर ना लगा करके हमें आना है अपने एब्डोमिन एरिया पे, रिब केज उठा हुआ और यहाँ से पेल्विक भी हमारा पीछे की तरफ उठा हुआ। हम उस चीज़ से बचेंगे कि हम अपने पेल्विक को ना रखें, या हम बहुत ज़्यादा करें क्या कि हम क्या कर देते हैं गलती के रूप में कि पैरों को उठा देते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारी जो चेस्ट है वो जमीन पर आ जाती है। तो इन दोनों कंडीशन से बचना है, हमें रखना क्या है, सिर्फ एब्डोमिन एरिया को रखना है अपने जमीन पर। तो ये इसकी बारीक बारीक चीज़ें थी और इसकी विधि थी। अब बात करें इसके बेनिफिट्स की, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो सेम, डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करेगा, हमारी जो लोअर बैक है उसमें जितना भी जितनी भी प्रकार का पेन है उन चीज़ों को ठीक करेगा, इवन स्लिप डिस्क तक में ये काम करता है। अगर स्लिप डिस्क है और हम इसका कंटिन्यू अभ्यास करें लेकिन किसी की देख रेख में, तो हमारी स्लिप डिस्क की जितनी भी दिक्कतें हैं उनको समाप्त कर देगा, उनको ठीक कर देगा। डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको बता दिया, हमारी चेस्ट को एक्सपेंड करते हैं, हमारे शोल्डर मूवेबिलिटी को बढ़ाता है, हमारी जो लंग्स हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, हम ऑक्सीजन को ज़्यादा कैरी कर पाएंगे, ज़्यादा बॉडी में ग्रहण कर पाएंगे और बॉडी का जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो पाएगा ज़्यादा, तो ये इफेक्ट डालते हैं। हमारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं, उसके समस्याओं का समाप्त करते हैं। फिर हमारी जो सर्वाइकल बोन है उस सर्वाइकल बोन के लिए भी बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन काम करता है। उससे क्या होता है कि जैसे ही हम अपने कंधों को ऐसे खींचते हैं तो चेस्ट एक्सपेंड होती है और हमारी जो सर्वाइकल बोन है, सर्वाइकल बोन पर इफेक्ट पड़ता है, वो हल्की सी मूवमेंट में आती है। जैसे ही वो मूवमेंट में आएगी तो उसकी जो स्टिफनेस होगी वो समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए हमारे सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, ब्लड फ्लो के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। हार्ट ओपनिंग एक्सरसाइज है कि हृदय को खोल देती है, धमनियों को खोल देती है, तो इसका इतना ज़्यादा प्रभाव है शरीर पर। सावधानियों की बात करें कि सावधानी किस किस व्यक्ति को इस आसन को करते हुए सावधानी रखनी चाहिए, तो सावधानी हार्ट डिजीज जिसको हो, जिसको हृदय रोगों से संबंधित कोई रोग है उसको करना है, लेकिन उसको करना है किसी देख रेख में, किसी की देख रेख में, शिक्षक की देख रेख में, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमारी बॉडी की क्या कैपेसिटी है और हम डायरेक्टली उसको देख करके सीखने की कोशिश करते हैं और कर देते हैं, तो हार्ट डिजीज में क्या होगा कि ब्लड फ्लो बढ़ सकता है। दूसरा, उस व्यक्ति को नहीं करना है जिसको बीपी ज़्यादा रहता है, हाई बीपी रहता है, उस व्यक्ति को नहीं करना है। उसके साथ साथ हर्निया का कोई पेशेंट है उसको नहीं करना है, पेट में कोई ही प्रकार का कोई ऑपरेशन किया हुआ है तो उसको नहीं करना है, उसके साथ साथ कमर में कोई बहुत ज़्यादा इंजरी है तो भी नहीं करना है। और इसके लिए मैं आपको सबसे बढ़िया एक बात बता दूं कि अगर कितना भी पुराना कॉन्स्टिपेशन है, अगर आप इसका 20-25 दिन लगातार अभ्यास करेंगे, एक एक डेढ़ डेढ़ मिनट तक, तो कितना भी पुराना कॉन्स्टिपेशन है, पुराने कॉन्स्टिपेशन से को बिल्कुल ठीक कर देगा और हमारी जो मतलब जो हमारे पेट के ऑर्गन्स हैं उनकी मसाज करेगा, और मसाज कर करके जो भी हमारे जो हमारा वो तंत्र, सफाई वाला तंत्र होता है, उस तंत्र की सफाई कर देगा बिल्कुल, उसकी हल्की हल्की मसाज करेगा, तो मसाज होने के बाद क्या होगा कि वो अपनी उनकी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाएगी, एक्सक्रेटरी सिस्टम मजबूत हो जाएगा हमारा, तो जो भी गंदगी हमारे शरीर में जमा है वो सारी की सारी बाहर निकल जाएगी। तो कब्ज के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा आसन होने वाला है, सबसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट देने वाला है कॉन्स्टिपेशन के लिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जितना बताया है आप उसी हिसाब से करेंगे और सारी चीज़ों को ध्यान रख करके करेंगे। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज यूजरलेस योगी से जरूर जुड़ें। उस पर हम समय समय पर कुछ विभिन्न प्रकार के वीडियोज़ डालते रहते हैं, कुछ और जो रिसर्च आती है उनमें से कुछ चीज़ें डालते रहते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा स्वास्थ्य के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।